भारतीय जनता पार्टी जो अपने को कहती है डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार बेईमान भी है, और ऐसे अभी तक तो मैंने बहुत सी सरकारें देखी हैं, और हमें आप लोगों पर गर्व भी है, आपने संघर्ष के बल पर और अडिग रह करके इस उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई है, नेताजी की सरकार बनाई है, नेताजी के साथ काम भी किया है आप सब लोगों ने, अखिलेश यादव की भी सरकार बनाई है, और हम इसलिए कहना चाहते हैं, हमने तो वो दौर देखा है। सुनील साजन जो बैठे हैं ये यूथ में थे, हमने देखा है लखनऊ की सड़कों पर हमने लड़ते हुए देखा है, हमने नौजवानों को लड़ते देखा है, हमने समाजवादी पार्टी की महिलाओं को भी लड़ते देखा है, हमने महिलाओं को भी देखा है, हमने बहुत सी बेईमानों सरकार को देखा है, लेकिन मैंने अभी जो देखा है सबसे भ्रष्टतम सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, और इसलिए हम बताना चाहता हूं इस सरकार ने तो वादे तो बहुत करे और आज भी वादे करते हैं, आज भी करते हैं, और ये शिविर इसलिए बहुत जरूरी था यहां पर प्रतापगढ़ में, ये शिविर जरूरी था और इसलिए जरूरी था, और आज अगर समाजवादी पार्टी का उत्पीड़न सबसे ज्यादा इस उत्तर प्रदेश में रामपुर, और रामपुर के बाद अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर उत्पीड़न हुआ है तो प्रतापगढ़ में हुआ है। और इसलिए भी हुआ है कुछ दिनों से हम शिथिल हो गए थे, और यहां ये भी सही है कि हम तो हमेशा नेताजी के जो नेताजी ने कहा वो हमने हमेशा उस आदेश का पालन किया है, लेकिन हम जानते हैं कुछ दूसरे दलों के लोगों ने जब नेताजी अगर सरकार में रहे, हम लोग सरकार में रहे, तो उसकी वजह से भी आपको कठिनाइयां झेलना पड़ी हैं, कुछ आपका शोषण भी हुआ है, लेकिन हम आज कहना चाहते हैं प्रतापगढ़ के साथियों से, हम कहना चाहते हैं अब एकजुट होना होगा आपको, एकजुट होना होगा, लेकिन अब आपके ऊपर शोषण नहीं होने पाएगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपके ऊपर शोषण नहीं हो, हम जानते हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी से हम लोगों से फायदा उठाया है उसकी वजह से भी आपको तकलीफें सहन करने पड़ी हैं, उसकी वजह से भी, लेकिन अब आपके ऊपर बिल्कुल भी अन्याय उत्पीड़न और शोषण नहीं होने दिया जाएगा, हम आपकी जिम्मेदारी को लेते हैं। और याद रखना, इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों से
याद रखना इन्होंने कितने वादे किए थे, वादे तो बहुत किए थे, याद कर लिया करना इन्होंने कितने वादे किए थे और कितने ये झूठे हैं। पहला वादा याद है, अच्छे दिन लाएंगे, कहीं दिख रहा है, कहीं इन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, इन्होंने कहा था हम देश में कर्जा कम करेंगे, लेकिन देश पर कर्जा भी बढ़ा दिया है। संविधान को ये मानते नहीं, कानून को ये मानते नहीं, लोकतंत्र को ये मानते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते नहीं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आप सब लोगों से, एक हो जाना, अब एक हो जाना पड़ेगा।